क्या कह रहा है, अगर इस चीज पे आप फोकस करेंगे ना लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस प्रेजेंट करो, बस वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये काम आपको साथ क्लियर करने वाली हूँ अपनी फैमिली के बारे में, मतलब अपनी बड़ी जिठानी, छोटी जिठानी और मैं अपने बारे में सारी चीजें वहाँ पे उस वीडियो में क्लियर करूंगी, तो उस वीडियो का आप सभी वेट करिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं अमृता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग जो आप देखेंगे ना वो डांस का है, क्योंकि डांस का वीडियो हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, तो उसको थोड़ा सा स्पीड मोड में करूँगी बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा पूरी वीडियो पे, तो एक भी मतलब डॉलर नहीं बनेगा इस वजह से। और अब तक मुझे मतलब ये ब्लॉग लाइव कर देना चाहिए था, हुआ क्या ना बीच में पड़ गया मदर्स डे। जब मदर्स डे पड़ गया तो मुझे वो वीडियो पहले लाइव करनी पड़ी, देन फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग में था कि एडिटिंग कर लेते हैं, इस वजह से लाइव करने में मैं लेट हो गई हूँ। देन होप करती हूँ कि इस ब्लॉग को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और मैंने सोचा चलो इंट्रो कर देती हूँ, इंट्रो करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ डांस ही डांस था, बाकी कुछ नहीं था। मैंने कहा आपका वेलकम करना तो बनता है भाई, आप मेरी फैमिली हो, बिना वेलकम के मैं अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। देन छोटा सा वेलकम है, न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक सडन पहुंच जाए, टाइम ना लगे। क्योंकि ऐसे क्या होता है, आपने सब्सक्राइब किया तो आपको दिखेगा जब आप चैनल के अंदर जाएंगे, और जब सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे कर देंगे ना तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा मेरी वीडियोज़ का। तो वीडियो कैसी लग रही जरूर बताइएगा यार, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, रिक्वेस्ट है छोटी सी, मेरी फैमिली हो आप सभी। तो बस चलिए ब्लॉग के अंदर देखिए क्या, डांस काफी ज्यादा अच्छा है, मेरी पूरी फैमिली के सारे मेंबर्स ने डांस किया है, और इसके बाद जो आने वाला ब्लॉग है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसे वो भी मेरे ससुराल का ही है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ अपनी फैमिली के बारे में, मतलब अपनी बड़ी जिठानी, छोटी जिठानी और मैं अपने बारे में सारी चीजें वहां पे उस वीडियो में क्लियर करूंगी, तो उस वीडियो का आप सभी वेट करिए। और कौन कौन चाहता है कि मैं बरगदाही पे ससुराल जाऊं पूजा करने, जो चाहता है कमेंट करके बताइएगा, तो कमेंट के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा, क्योंकि इस बार सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ करो पूजा, ऐसे करो वैसे करो, बट चलिए देखते हैं आप लोग कमेंट के ऊपर, मैं वो करूंगी डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्लॉग के अंदर जाकर के देखिए डांस कैसा लगा, किसका डांस अच्छा लगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी 15 तारीख को 11 बजे सुबह, और अभी स्कूल इधर बंद हो जाएंगे 16 तारीख से, तो बस कुछ नहीं घर पे रहूंगी, शाम को ब्लॉग लाइव क्या करूंगी, आराम से दिन भर में एडिट वेडिट करके पूरा प्रिपरेशन कर लिया करूंगी, और शाम को अच्छे से आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी। देखिए घर में छुट्टी में कहाँ जाने का प्लान बनता है, अगर कहीं जाते वाते हैं तो और बहुत प्यारे प्यारे आप सभी को ब्लॉग देखने को। अभी जस्ट मैं लेटी थी तो उठ गई, क्योंकि नींद तो आनी थी, तो ये लग रहा है कि चलो चाय वाय पी लिया जाए, कुछ काम धाम देखा जाए। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए, और मैं क्लिप भूल गई थी, फिर से मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बहुत से लोग मेरी यूनिवर्सिटी ब्लॉग में, मेरी जिठानी की यूनिवर्सिटी ब्लॉग में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी जिठानी नहीं आई, आपकी जिठानी नहीं आई। देखो काफ़ी दिन से ब्लॉग लोग देखते हैं तो जान जाते हैं कि हाँ कौन कौन है हमारी फैमिली में, तो मैं चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस चीज़ को मैं अगले ब्लॉग में क्लियर करूँगी, उसमें कमेंट वगैरह मैं पिन भी करती जाऊँगी, काफ़ी लोग ने कमेंट किया इसलिए मैं इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करती। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई हम लोगों आपस में कुछ नहीं हुआ, बस हो जाता है किसी के पास टाइम रहता है, किसी के टाइम नहीं रहता, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, आगे आपको मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं आई थी। हाँ तो चलो थोड़ा सा चाय पी लूँ, बहुत लो फील कर रही हूँ। Okay।
बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सब लोग खा पी चुके, सब कुछ हो चुका, अभी भी सब लोग डांस कर रहे हैं, इस वजह से मैं आ गई हूँ। आप सबसे मैंने सोचा कि वीडियो को थोड़ा एंड कर दूँ, आप सभी से बात कर लूँ। और सचिन बहुत प्यारा ब्लॉग बना है, क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी भाई जी कि जैसा खुद को अगर काम पसंद आने लगे, आपकी फैमिली को काम पसंद आने लगे, तो मतलब आपने सही ट्रैक पकड़ लिया है। किसी की सुनने की जरूरत नहीं, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, कौन क्या कह रहा है, अगर इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस चीज़ें सही होनी चाहिए, वल्गर नहीं दिखाओ। अगर हम एक ऐसा बहू तो बहू की तरह आप निभाओ सारी चीज़ें, ऐसा बेटी तो बेटी की तरह सारी चीज़ों को प्रेजेंट करो। बस वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है, काम आप कोई भी करो, अंग प्रदर्शन वल्गैरिटी से मतलब यही है कि आप मतलब देखिए अपने अपने उसका एक कैटेगरी होता है, कौन कितने कैटेगरी से ऊपर अप डाउन कर सकता है, तो हर सबकी कैटेगरी अलग है। मेरी कैटेगरी में इतना है कि आप करो, मर्यादा में रह के हर चीज़ करो, कोई रोक टोक नहीं, हमारी फैमिली सब देखती है, इवन हमारे हस्बैंड भी ब्लॉग देखते हैं। आप ये भी मान लो जब से वो अयोध्या रहने लगे तब से हमारे ब्लॉग तो वो प्रॉपर देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, फुल सपोर्ट। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं सोच एंड कर दूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। मेक श्योर नम्रता की दुनिया को सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कुछ कर दीजिए और कर लें, ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और मैं कैसी लग रही ये जरूर बताइएगा, मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इसको पहन के गलती की, बट मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा सा हैवी मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेकअप पूरा वही था, बस मैंने बिंदी सिर्फ चेंज की थी। और मुझे ऐसा लगता है ये मैं पहन लेती ना तो एकदम लुक चेंज हो जाता है, पता नहीं क्यों। सो बाय बाय, मिलते हैं अब एक बहुत प्यारे और एक नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत अच्छे से ब्लॉग में। और हाँ, इसके बाद वाला ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा गाइस अच्छा होने वाला है।